लेग कैस्पर एक न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम में एक बॉलर ऑलराउंडर की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने जून 2015 से न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। इनका पूरा नाम लेग मैगन कैस्परिक है। इनका जन्म 15 फरवरी 1992 एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ। लेग कैस्परिक दाएं हाथ की बैटर और दाएं हाथ की ऑफ ब्रेक बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बॉलर ऑलराउंडर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 62। लेग कैस्परिक की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 46। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 11 जुलाई 2015 को भारत के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 133। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 28 जून 2015 को ये भी इंडिया के खिलाफ खेला। और लेग कैस्परिक डोमेस्टिक लेवल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईसेक्स, वेलिंगटन, ओटागो, बेलोसिटी और नॉर्थन डायमंड टीम से खेली और खेलती है। इन्होंने 2007 से 2012 तक स्कॉटलैंड के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेला जहां इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इन्होंने 2007 के काउंटी चैलेंज कप में इंग्लैंड काउंटी टीमों के खिलाफ स्कॉटलैंड के लिए 15 साल की उम्र में अपना राष्ट्रीय पदार्पण किया और इसी साल के अंत में यूरोपीय चैंपियनशिप में आयरलैंड और नीदरलैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण भी किया और 2009 यूरोपीय चैंपियनशिप में नीदरलैंड के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक बनाया। फिर लेग कैस्परिक स्कॉटलैंड से न्यूजीलैंड शिफ्ट हुई और 2013-14 सीजन में न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया और इस डोमेस्टिक सीजन में इन्होंने 2 अर्धशतक बनाए और अपनी गेंदबाजी से सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जिसमें सबसे अधिक 18 विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी और 28 जून 2015 को भारत के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू मैच में 10 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट लिए और इसी सीरीज में भारत के खिलाफ ही 11 जुलाई 2015 को अपना T20I डेब्यू भी किया और बाद में 2015 में श्रीलंका के खिलाफ एक वनडे मैच में मात्र 27 रन देकर 4 विकेट लिए और फरवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 3 ओवरों में मात्र 7 रन देकर 4 विकेट लिए और 2018 ICC महिला विश्व 2020 टूर्नामेंट में लेग कैस्परिक न्यूजीलैंड के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज रही जिसमें इन्होंने 4 मैचों में 8 विकेट लिए। फिर 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में 10 ओवरों में 46 रन देकर 6 विकेट लिए और श्रृंखला के एक दिवसीय मैचों में 9 विकेट लेने वाली सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी। तो हम लेग कैस्परिक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये इससे भी और अच्छा क्रिकेट खेले और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।